देखिए, मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूं कि जो आपका सिलेबस है ये आपको ये बताता है कि आपको यूपीएससी सीएससी की लड़ाई में कौन कौन से हथियार चाहिए होंगे। आप ये मान के चलिए कि आप आर्मी के एक जवान हैं और आपको एक लड़ाई लड़नी है, और वहां पर आपको ये पता करना है कि वहां पर जो लड़ाई है वो किस टाइप से लड़ी जाएगी, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए, एक सक्सेस तरीके से लड़ने के लिए मेरे पास कौन कौन से हथियार वेपन्स होने जरूरी हैं। तो सिलेबस जो है वो यही बेस है कि आप यूपीएससी सीएससी या कहें तो आईएएस के लिए तैयारी जो करेंगे उसका बेस क्या होगा, आखिर यूपीएससी जो एग्जाम करवाता है इसका वह क्या आपको बताता है, उसके हिसाब से आपको किस बेस पर तैयारी करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपके लिए जानने के लिए है कि जो यूपीएससी सीएससी की आईएएस की जो टोटल जर्नी होती है, आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, कुछ भी बनना हो, जो टोटल जर्नी होती है वो 3 स्टेज में डिवाइड होती है। आपका पहला स्टेज क्या होता है, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा आपका स्टेज होता है मेंस एग्जाम, और तीसरा आपका जो स्टेप होता है इंटरव्यू। तो आपको 3 स्टेज से गुजरना होता है, और इन 3 स्टेज में अलग अलग आपका सिलेबस होता है, अलग अलग उसका क्राइटेरिया होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला स्टेप है प्रीलिम्स, उसको हम समझते हैं, एक बार मोटे तौर पे समझते हैं, फिर उसके बाद इसका सिलेबस क्या है वो समझते हैं। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है GS1, दूसरा होता है GS2। GS2 को सीसेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो GS1, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको जो टाइम दिया जाता है 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है, अगर आपको नहीं पता है, कि 1/3 का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया ही नहीं उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं और वो गलत हो जाते हैं, अगर टोटल 4 क्वेश्चन करते हैं उसमें से 3 गलत हो जाते हैं, 1 सही होता है, तो आप मान चलिए कि आपका कुछ भी सही नहीं होगा, वो सही वाला भी कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सोच समझ के आंसर देना होता है। इसके अलावा हम बात करें कि इसके क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब ये है कि आपको वहां पर आंसर लिखना नहीं है, एक ओएमआर शीट होती है, वहां पे आपको टिक करना होता है, आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको पूछा जाएगा कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर इन 4 में से कौन सा सबसे सही है या आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है, तो उनमें से 4 में से 1 को सिलेक्ट करना होगा, लिखना आपको कुछ भी नहीं है, बस केवल टिक करना होता है। अब इसके अलावा हम सीसेट की बात करें तो यहाँ पर केवल 80 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते थे, 100 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं वो सेम ही होते हैं, 200 मार्क्स के ही, आपको टाइम भी सेम दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है जो मैंने आपको बता दी, और इसके भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, मतलब केवल टिक करना ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं GS1 के बारे में। देखिए, GS1 का जो आपका पेपर होगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर 1, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। अब यहाँ पर वर्तमान घटनाएं क्या क्या मतलब है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर का क्या मतलब होता है कि जो देश और इंटरनेशनल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब अपने देश की और विदेश की जो महत्वपूर्ण जो वर्तमान घटनाएं हैं, जैसे कि जो हालिया में हुई होती हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, ये सारी चीजों के बारे में, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, या अपने देश के साथ किसी और देश ने कोई भी एग्रीमेंट किया है, कोई भी संधि की है, कोई भी डील की है, और वह इम्पोर्टेंट है किसी एक फील्ड में, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहां पर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये सारी स्कीम और जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। इसके अलावा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास इसमें सब शामिल हो गया, आपका मॉडर्न शामिल हो गया, आपका प्राचीन भारत शामिल हो गया, आपका मध्यकालीन भारत शामिल हो गया, और लेकिन इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्पेशली बताया गया है कि जो नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं उन पर भी आपको फोकस करना है। भारत का इतिहास तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, उनके बारे में भी विशेष रूप से आपको समझना है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या कहता है यूपीएससी, भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, मतलब भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, वो चीजें पढ़नी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कैसे आती हैं, किस टाइप से बने होते हैं,
इसके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के मतलब जो पेपर हो चुके हैं आप उनको लीजिए और उसमें से देखिए कि भूगोल के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और क्वेश्चन का तरीका क्या होता है पूछने का। इसके अलावा इसमें कहा गया है जो आपका चौथा पॉइंट है, भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि। मतलब भारतीय राजनीति से संबंधित जितनी भी मुद्दे हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था क्या है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्या है और जो पब्लिक पॉलिसी बनती है, सार्वजनिक नीतियां बनती हैं, वो क्या है, कैसे बनती हैं, कोई भी नीति बनाई जाती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, उस पर कोई भी अगर विचार या कोई भी विवाद होता है, वो सारे आपके संज्ञान में होनी चाहिए, वो आपके नॉलेज में सारी चीजें होनी चाहिए। अधिकार मुद्दे, अधिकार मुद्दे मतलब राइट्स के लिए जो भी हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ये सारी चीजें समझनी है। शासन संविधान हमारे यहाँ पर कैसा है, कैसा संविधान है, संविधान और शासन का आपसी संबंध क्या है, संविधान का आखिर बेस क्या था, संविधान कैसे बनाया गया, संविधान में क्या क्या ऐड है, संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझनी है। अब इसके लिए भी आपको अलग बुक लेनी है, इसके लिए अलग बुक लेनी है, सबके लिए अलग अलग बुकें लेनी होंगी। इसके अलावा आपका पांचवा पॉइंट कहता है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल। यहाँ पर आर्थिक विकास के जितने भी मुद्दे हैं, कोई भी स्कीम चल रही है डेवलपमेंट से संबंधित या कोई भी ऐसी योजना है जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, उसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में जो भी पहलें होती हैं, गरीबी से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है, जो भी मतलब वो विश्व लेवल पर भी एजेंडे चलाए जाते हैं उससे भी संबंधित है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। हमारे यहाँ पर कैसे मुद्रा वर्क करती है, कैसे मनी वर्क करती है, मनी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और किसी भी मतलब हमारे यहाँ पर जो वित्त आयोग है वो कैसे वर्क करता है, वित्त आयोग का काम क्या होता है, और हमारे यहाँ पर आर्थिक संसाधनों का बंटवारा कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये आपको सिलेबस देखने में जरूर छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये केवल मुख्य मुख्य बातें ही कही गई हैं, इसमें अंदर क्या है बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप वो किसी भी पिछले एक साल का, चाहे मतलब वो 17 का, 18 का, 2020 का, आप क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें से आखिर मतलब क्या लेवल क्या होता है आर्थिक विकास इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन का। इसके अलावा इसमें छठा पॉइंट है कि जो हमारा पर्यावरण है, जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, सही है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण से संबंधित, देखिए पर्यावरण कहीं ना कहीं भूगोल का ही एक पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशली फोकस करना है जो हमारे यहाँ पर किसी प्रकार के प्रदूषण से संबंधित और जलवायु परिवर्तन हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। इन पे जो भी विवाद होते हैं वो भी समझने हैं, करंट अफेयर को लेकर भी चलना है, सरकार कुछ नया सोचती है इन मामले में वो भी समझना है, और हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण को एक सही रूप में बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे प्रदूषण से बचा जा सके, प्रदूषण को कैसे रोका जा सके, किन किन चीजों से प्रदूषण होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी। इसके अलावा सातवां पॉइंट यहाँ पर है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस में देखिए क्या आता है, जनरल साइंस में स्पेशली आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अलावा इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं, कुछ केमिस्ट्री के भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन स्पेशली मान के चलिए आप कि बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि एग्रीकल्चर के कम से कम 5-6 क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं, तो कभी कभी एग्रीकल्चर से शायद एक ही क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, मतलब ये समझ के चलिए कि फिक्स कुछ नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस बार इतिहास से ज्यादा आएंगे या इस बार जियोग्राफी से ज्यादा आएंगे या इस बार राजनीति से ज्यादा आएंगे, पॉलिटिक्स से ज्यादा आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी का जो मन करेगा भाई, अपना मन का राजा है, जो मन करेगा उसके क्वेश्चन ज्यादा देगा। कि आपको ये मान के चलना है कि आपके लिए ये सभी सब्जेक्ट जो हैं, सभी जो टॉपिक हैं वो बराबर है। आपको ऐसे इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आप ये मत समझिए कि अरे इस बार मतलब इतिहास को छोड़ देते हैं, भूगोल ज्यादा पढ़ते हैं, हो सकता है भूगोल के पिछले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नहीं कुछ भी नहीं है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो कहीं पर कुछ फिक्स ही नहीं है, कभी जियोग्राफी के ज्यादा, कभी हिस्ट्री के ज्यादा, कभी पॉलिटिक्स के ज्यादा, कभी इकोनॉमिक्स के ज्यादा, तो कभी साइंस के ज्यादा, तो आपको सब बराबर मान के चलने हैं। बस थोड़ा सा आपको ये फोकस करना है कि आपको ये चार सब्जेक्टों पे ज्यादा फोकस करना है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इसके अलावा जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है,
और करंट अफेयर को तो फोकस करना ही करना है, उसमें तो कोई भी ढील नहीं चाहिए। इसके अलावा अब हम दूसरा पेपर जो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें केवल 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। यहाँ पर ऐसे समझिए कि आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो जो आपके मार्क्स का जो कट ऑफ लगेगी वो केवल जीएस फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सेकेंड पेपर जो होगा सीसेट का, इसमें केवल ये देखा जाएगा कि आपने 33% नंबर लेके आए हैं, मार्क्स लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। अगर आप ले आते हैं तो फिर आपके फर्स्ट के हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी, और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन मान के चलिए कि किसी ने जीएस फर्स्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके आया हो, लेकिन जिस सीसेट में जीएस टू में मान लीजिए 30% 25% लेके आया, तो क्या होगा? तो वो फेल ही माना जाएगा, उसको अगले स्टेप में शामिल ही नहीं किया जाएगा, उसको ऐसा माना जाएगा कि उसने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। और इसके केवल नंबर नाम के लिए आप चाहे इसमें देखो 40 ले आओ, 50 ले आओ, 60% ले आओ, 80% ले आओ, 90% ले आओ, उसका कोई रोल नहीं होगा। रोल क्या होता है कि 33% आपके आने चाहिए। 33% आ गए तो आपका GS2 जो है वो क्वालिफाई हो गया, और नहीं आए हैं तो फिर आपका फर्स्ट में कितना भी अच्छे आपके मार्क्स आए हो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए इसमें केवल क्वालिफाइंग आपको मतलब वो मार्क्स लाने हैं, और जीएस फर्स्ट में ये कोशिश करनी है जितने ज्यादा से ज्यादा आ जाए, क्योंकि कट ऑफ उसी के बेस पे लगती है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। अब इसमें देखिए आपको बताऊं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है, और एक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, और जो भी करंट के मुद्दे चल रहे होते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट से संबंधित है, कोई ज्योग्राफी को कोई टॉपिक है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, कोई बीमारी ऐसी है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब आपको समझना है अच्छे तरीके से कि आखिर तो फिर क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो मैंने कहा था जो पहले कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने होंगे, उसमें से GS2 सीसेट को उठाना होगा, समझ जाएंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या होते हैं। और यहाँ पर वही बात कहेगी जो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, आप मार्क्स ले आएंगे तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, और फर्स्ट के हिसाब से आपकी कट ऑफ तय होती है, मतलब फर्स्ट में भी ज्यादा नंबर आने चाहिए और इसमें केवल 33%, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। इसमें 33 से ज्यादा आते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 33 से कम नहीं आने चाहिए। इसके अलावा हम अपने सेकेंड स्टेज के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं मेन्स एग्जाम। देखिए मेन्स एग्जाम को मैंने दो टाइप से बांट रखा है। नंबर एक जिसके मार्क्स ऐड होते हैं, जिसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लगती है इंटरव्यू के लिए, और दूसरा ओनली क्वालिफाइंग पेपर, इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, जैसा अभी मैंने बताया था प्रीलिम्स एग्जाम में करना होता है सीसेट को। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, सीसेट में 33% आप मार्क्स ले आए, मतलब उससे ऊपर भी ले आए, आप क्वालिफाई हो गए, जीएस फर्स्ट के हिसाब से भी आपको क्वालिफाई कर दिया गया। अब जैसे ही आप यहां पर मेंस के वाले स्टेप में आते हैं तो फिर आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम के जो भी मार्क्स थे उनको कैंसिल कर दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है कि आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे। अब यहां पर जो भी कट ऑफ लगेगी वो केवल मेंस के अकॉर्डिंग ही लगेगी। मैंने आपको बताया कि मैंने दो टाइप से डिवाइड किया है, GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके जो आपके जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है, केवल क्वालिफाइंग नंबर आने होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ज्यादा ले आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर मेंस एग्जाम देते हैं तो आपने सभी पेपर दे दिए, तो सबसे पहले आपकी कॉपी चेक की जाएगी, इसकी ये दो पेपर की जाएगी, ये देखा जाएगा कि आप इसमें क्वालिफाई हैं या नहीं है, क्वालिफाई हो पाए या नहीं हो पाए। अगर हो पाए तो फिर आपके ए सब्जेक्ट की चेक की जाएगी और उसके जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ लगेगी। इसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है, सबके लिए वो जरूरी है, सबके लिए कंपल्सरी है, 300 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको 25% 25% मार्क्स लाने होते हैं, आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। सेकेंड एक लैंग्वेज का पेपर होता है, इंडियन लैंग्वेज का, आपकी 22 भाषाओं में से जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं हमारे संविधान में, बाद में संशोधन भी हुआ उसमें, लेकिन तो उसी के अकॉर्डिंग आप किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे, और उनमें से एक को सिलेक्ट करने के बाद आपका एग्जाम होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा कितने 25% मार्क्स के साथ। कौन कौन सी लैंग्वेज है इसको आगे हम समझेंगे जब इसका सिलेबस समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जिसके हिसाब से कट ऑफ लगती है, जिसमें आपको कोशिश करनी होती है ज्यादा से ज्यादा आ जाए, GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए ये सभी 250-250 मार्क्स के होते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका ये 500 मार्क्स का होता है। इसके दो पेपर होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट और टू, और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से ले सकते हैं वो आगे हम बात करेंगे जब सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं GS1 का सिलेबस क्या होता है।
और यहाँ पे समझिए कि आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाता है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपका जीएस फर्स्ट और सभी जितने पेपर हैं 250-250 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि आखिर जीएस फर्स्ट का सिलेबस क्या है। पहले हम पॉइंट समझते हैं, हाईलाइट समझते हैं कि आखिर मतलब जो टॉपिक है वो क्या क्या है। भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल, ये 5 टॉपिक हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब इन 5 टॉपिकों को हम विस्तार से समझें। पहला पॉइंट है प्राचीन काल से आधुनिक समय तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। जो भी हमारे यहाँ प्राचीन से लेकर आधुनिक तक जो भी साहित्य का निर्माण हुआ है, वास्तुकला का निर्माण हुआ है, जो भी हमारी कला है, संस्कृति है, जो भी आर्ट एंड कल्चर है, उसमें जो भी हिस्ट्री रही है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके जो मुख्य पहलू हैं वो तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मतलब 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक के जो भी हमारा घटनाक्रम रहा है इतिहास का, वो सारी चीजें आपको पहुंच करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, और 5वां पॉइंट है विश्व के इतिहास में और औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध। विश्व युद्ध हमारे यहाँ पर जो हुए हैं उनके बारे में समझना है, औद्योगिक क्रांति कैसे कहाँ पर हुई है वो समझना है। इसके अलावा राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, और इसके अलावा उपनिवेशवाद में क्या क्या पढ़ना है, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद और पूंजीवाद और समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका क्या प्रभाव है ये भी समझना होगा। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, डेवलपमेंट से संबंधित विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय, मतलब उनके लिए जो रक्षा के लिए क्या क्या उपाय होंगे ये भी समझना है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या होगा, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्म निरपेक्षता। इसके अलावा विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, मतलब जियोग्राफी शामिल हो गया, विश्व भर के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या होते हैं। इसके अलावा भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, हलचल है, चक्रवात है, आज जैसी महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएं हैं वो भी ध्यान में रखनी है। और अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित वनस्पति और प्राणी जगत है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका हो गया GS1। अब आप देंगे GS2। GS2 में आपकी मेन जो हाइलाइट्स हैं क्या क्या हैं, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विस्तार से समझते हैं, भारत का संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुख्य मुद्दे, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का वितरण और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का जो पृथक्करण है वो कैसे होता है, विवाद का निपटारा कैसे होता है और इनके बीच में आपस में क्या संबंध होते हैं। अब इसके अलावा अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना हमें करनी है कि आखिर भारत में जो संवैधानिक योजना बनी वो अन्य देशों से कैसे अलग है। इसके अलावा संसद और राज्य की विधायिका, संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, ये सारी चीजें समझनी है। मतलब पॉलिटी पढ़नी है आपको स्पेशली, आप ऐसे समझिए पॉलिटी में सारी चीजें शामिल हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संरचना। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विभिन्न संवैधानिक निकायों और उनके पदों, शक्तियों, कार्यों, जिम्मेदारियों की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, ये सारी चीजें समझनी है आपको। और केंद्र और राज्य के द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जैसे कि SC ST के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, कब किए गए, कैसे किए गए, सारी चीजें समझनी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास संबंधित, प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी, भूख, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, क्षमता, नागरिक चार्ट, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय। और इसके अलावा लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या होती है, इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देश क्या है, उनके साथ संबंध कैसा है,
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और या तो भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, भारत के हितों, भारतीय प्रवासी पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव, ये सारी चीजें समझनी है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि WTO, WHO और वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें समझनी है। उनकी संरचना क्या है, उसमें क्या क्या वर्क होता है, उसके कितने मेंबर होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। इसके अलावा आता है हमारा GS3। GS3 का जो मुख्य बिंदु है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विज्ञान और तकनीकी है, पर्यावरण है और जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है और आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी सुरक्षा है। विस्तार से समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाने, विकास, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजट, बजट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कब पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, देश के विभिन्न भागों में जो हमारा फसल का जो पैटर्न है वो कैसा है, सिंचाई व्यवस्था कैसी है और फसल का भंडारण कैसे किया जाता है और विपणन कैसे किया जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे जो मार्केट होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है और सरकार के द्वारा जो भी स्कीमें दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती हैं, वो क्या है, कैसे हैं, MSP क्या है और उससे संबंधित जो भी हमारे यहाँ पर तंत्र है, और जैसे हमारे यहाँ पर अनाज भी बांटा जाता है गरीबों के लिए, उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं, बफर स्टॉक है और खाद्य सुरक्षा है, फूड सेफ्टी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, पशुपालन का भी हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए कि पशुपालन के लिए भी सरकार क्या कर रही है, कैसे पशुपालन को आगे बढ़ाया जाए और उसके अलावा भारत में खाद्य से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, उसके कार्य क्षेत्र, उद्योग, महत्वपूर्ण स्थान, इसके अलावा भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि, निवेश मॉडल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग और प्रभाव। आपको बड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा होगा कि यार क्या दे दिया बहुत सारा, इसको मतलब याद कैसे करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन जब आप दूसरी दो चार बार रिविजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, सिलेबस उसका है क्या। एक बार में देखिए समझ में नहीं आएगा, मेंस का बड़ा सिलेबस होता है, क्योंकि मेंस का जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपको आंसर लिखने होते हैं, टिक नहीं करने होते हैं, आंसर देने होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना होता है। अब उसमें से ऐसा तो है नहीं कि निगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का कोई मतलब ही नहीं होता है, आपको जो भी मिलेंगे कुछ ना कुछ मार्क्स ही मिलेंगे और फिर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, जैसे पुलिस किस प्रकार से वर्क करती है और पुलिस को किस प्रकार से अलग अलग स्कीमों से डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है, पुलिस में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है और किस तरीके से हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो वर्क करती हैं, साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें हमारे यहाँ चलाई जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, आतंकवाद से कैसे निपटा जाता है, आतंकवाद के लिए कौन कौन से हमारे यहाँ सुरक्षा बल तैनात हैं, एजेंसियां तैनात हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा आता है GS4। GS4 का जो मेन बेस है, मेन टॉपिक है, नैतिकता और मानव इंटरफेस, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, योग्यता, एबिलिटी, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, सार्वजनिक, सिविल सेवा, मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता और शासन में संभावना। थोड़ा विस्तार से समझिए, तो देखिए विस्तार से आप ये समझिए कि नैतिकता से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक ऑफिसर होंगे तो कैसे क्या काम करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे, आप जो वो कहते हैं ना कि निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे, आप पक्षपात नहीं करेंगे, आप एक सिविल सेवक होते हुए तो आखिर किस तरीके से वर्क होगा, आप किस तरीके से निष्पक्षता के साथ कार्य कर पाएंगे, भारत की अखंडता को कैसे बनाए रखेंगे और अपनी सेवा के प्रति आपका समर्पण कैसा होगा, कितने आप ईमानदार होंगे, इन चीजों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसमें आप समझिए कि केस स्टडी जो आपका मेन होता है वो पूछा जाता है, कि केस स्टडी में दिया जाता है कि मान लीजिए आप DSP हैं, मान लीजिए आप DM हैं या आप SHO हैं या आप किसी और पद पर हैं, तो वहां पर कोई उस क्षेत्र में कोई भी समस्या घटती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये एबिलिटी आपके अंदर देखी जाती है, ये एटीट्यूड आपके अंदर देखा जाता है कि एक अधिकारी बनने के बाद आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, अभी से आप क्या सोचते हैं, शासन में सत्यनिष्ठा क्या है, मतलब शासन के प्रति कितना ईमानदार हैं, क्या क्या आपके मत हैं, इन चीजों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं तो भैया कि इसका आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।
इसके अलावा हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एक आपको सिलेक्ट करना होता है अपनी मर्जी से। यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सी पढ़ाई की है, आपने मास्टर्स किया है तो क्या किया है, आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीए, बीटेक कुछ भी किया हो, लेकिन यहाँ पर आपको छूट दी गई है कि कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर चुन सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट की लिस्ट आप देख रहे होंगे, इसको अच्छे तरीके से आप चाहें तो नोट डाउन करें, समझें। यहाँ पर आपको एक मौका दिया गया है, यूपीएससी कहता है कि हम भी तो देखें कि जो आप अपने आप से सिलेक्ट करते हैं आखिर उसमें कितना आपको नॉलेज है। तो इसलिए इसके दो पेपर होते हैं, मैंने बताए थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो मतलब जो टोटल इसके जो मार्क्स होते हैं वो 500 के होते हैं, मतलब इसका एक पेपर आपके 250 मार्क्स का होता है, दोनों मिलाकर 500 रुपए। तो कोई भी सब्जेक्ट इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, जियोग्राफी हो गया, कुछ भी, मतलब कोई इसमें ये पूछने वाला नहीं है कि आपके ने इसमें ग्रेजुएशन किया है नहीं किया है। बस हमेशा ये याद रखना कि इसको सिलेक्ट तभी करना जब किसी सब्जेक्ट में आपकी या तो बहुत ज्यादा रुचि हो या फिर उसके बारे में पहले से ही अच्छा नॉलेज हो। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो और एक पेपर बचा है आपका 250 मार्क्स का, उसको बोलते हैं ऐसे का, निबंध का पेपर। ठीक है, निबंध के पेपर से संबंधित अगर हम बात करेंगे, देखिए ऐसे जो आपको दिया जाता है इसमें आपको निबंध लिखने होते हैं, ऐसा लिखना होता है। आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं, आपको फील्ड दे दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन पे बोल दिया, आपको चूज करने का भी ऑप्शन होता है वहां पर, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, और आपका रोजगार है, और उसके अलावा आपका सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा चल रहा होता है उससे संबंधित भी आपको निबंध लिखने के लिए बोला जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो दो पेपर होते हैं मैंने बताया था, जो केवल क्वालिफाइंग होते हैं, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं, एक होता है इंग्लिश जो सबके लिए कंपलसरी है, सभी देंगे, और दूसरा होता है किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना। तो इन 22 भाषाओं में से ये जो यहाँ पर दी गई है, इन 22 भाषाओं में से किसी एक को सिलेक्ट करके आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। बस ये है कि उसमें आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं जितने कि इंग्लिश में लाने होते हैं, आप क्वालिफाई मानो जाओगे, और जो आपका ऐसे और जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ लगती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, जल्द से जल्द उसका आंसर दिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। डाउट नहीं रहना चाहिए लाइफ में, डाउट मत रखो, डाउट जो है ना वो हमेशा परेशान करते हैं, आज संतुष्टि मिल गई कल परेशान करेंगे, क्योंकि डाउट है तो डाउट तो है, तो उसको तो सोल्यूशन चाहिए, उसको तो आंसर चाहिए ही चाहिए, वो आपसे आज नहीं कल पूछेगा, आज शांत कर दोगे तो कल मन में आएगा। तो डाउट नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरीके से रिविजन करना, बार बार इस वीडियो को देखना, और जो भी डाउट लगे आप पूछना।